नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, पिछले 6 वर्षों से केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की योजनाओं पर काम किया है, जमीनी स्तर पर तमाम तरह की योजनाओं को उतारा है, जिससे कि आम लोग जो हैं उनका जीवन जो है वो बेहतर बन सके और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो जन जन तक पहुंच सकें। और इसी कड़ी में सबसे बड़ी जो योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंची है, जिन तक की अभी तक ऐसी किसी योजना का लाभ जिनको नहीं मिला था। और बड़े स्तर पर देश के गाँव-गाँव में बड़ी संख्या में, कहें तो करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं इस योजना से जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं इस योजना को, और किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस योजना को लेकर काम हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। करीब 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो इससे अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और करीब 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो इसी हम विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले 6 वर्षों में तमाम तरह की योजनाएं जो हैं धरातल पर उतर रही हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से उसका लाभ जो है वो मिल रहा है। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सपना एम लोवंशी हैं, जो कि कार्यपालन अधिकारी हैं, आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश का पूरा वो काम देखती हैं। साथ ही रमेश ठाकुर हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय तक वो विभिन्न विषयों पर पैनी नज़र अपनी बनाए हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सपना जी, सबसे पहले बात करें, आपके पास पूरे मध्य प्रदेश का प्रभार है, जिस तरीके से आपको इस योजना को लेकर काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो एक जो अगर हम देखें कि 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा बताएं कि किस तरीके से कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और किस तरीके से योजना जो है मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी और आयुष्मान भारत नाम से ये योजना प्रारंभ की गई है और मध्य प्रदेश में इसे निरामयम नाम दिया गया है। 2 वर्ष में हमने काफ़ी उपलब्धियां इस योजना के द्वारा हासिल कर ली हैं। लगभग जैसा आप भी बता रहे थे कि 1.86 करोड़ लोगों के हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, जिन्हें गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लगभग 64 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर कर चुके हैं और पिछले 2 सालों में 4 लाख के से अधिक हितग्राही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के बारे में अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से एक स्वास्थ्य बीमा होता है, उस तरह से ये एक योजना है जिसमें हमारे जो जनता, आम जनता है, गरीब लोग हैं, वो नहीं बीमा करवा पाते हैं। तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार आपका बीमा स्वास्थ्य के लिए कर रही है। और इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें ना केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो संबद्ध निजी चिकित्सालय हैं उनमें भी हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के द्वारा। जी, तो 2 साल में करीब 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। आपने बताया कि 7 लाख से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हैं और करीब 1.86 करोड़ जो हैं लोग इससे पंजीकृत हुए हैं। तो मैडम, ये बताएं कि जैसे ये योजना जो है इतनी बड़ी योजना है, 2 साल में इतने ज़्यादा हितग्राही इसके हो गए हैं, फिर भी लोगों में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये योजना किसके लिए है, कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकता है, अपना कार्ड जो है बना सकता है। प्रारंभ में 2011 की जनगणना जी, जो SECC की जनगणना हुई थी, सोशल इकोनॉमिकल सेंसस जो था, कास्ट सेंसस, उसके अकॉर्डिंग उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था कि उसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो D1 से D7 तक का क्राइटेरिया है वो लोग इस योजना के हितग्राही हैं। और इसका पूरा आंकड़ा मध्य प्रदेश का जो है वो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो प्रारंभ से यहाँ काम कर रहे हैं और लगभग 25-30 हज़ार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो गांव-गांव तक जिनकी पहुँच है। वहाँ पर व्यक्ति जाकर अपना समग्र ID, आधार नंबर, पैन कार्ड या कुछ भी जो उनका आइडेंटिटी है उसको ले जाकर वहाँ सर्च करवा सकता है कि वो व्यक्ति उस क्राइटेरिया में आ रहा है अथवा नहीं। और अभी पिछले ही एक नया डेवलपमेंट है कि लोक सेवा केंद्र जो हमारे सरकारी कार्यालयों में है, चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय है या SDM कार्यालय है, तहसीलें हैं, वहां पर लोक सेवा केंद्र है। अब लोक सेवा केंद्र में भी जाकर हितग्राही हैं या नहीं ये जानकारी वहां पर आप ले सकते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उसमें योजना में हैं कि नहीं। एग्जैक्टली, और गोल्डन कार्ड अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो वहां पर जाके बनवा सकते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत
राशन पर्ची बांटी जाती है। राशन पर्ची का जो हितग्राही है, धारक है, वो भी इस योजना का पात्र हितग्राही है। इसके साथ ही साथ संबल योजना के जो पात्र हितग्राही हैं, उनको भी मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें लिया है और ये भी लोग आयुष्मान योजना के तहत, मतलब ये दो योजनाएं हैं, इसमें जो लोग पंजीकृत हैं, जिसके लिए पात्र हैं, वो इसमें भी पात्र हैं, आयुष्मान में पात्र हैं। रमेश जी, पिछले 6 वर्षों में हमने देखा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर काफी फोकस किया है सरकार ने और कोशिश की है कि जो एक रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य, ये जो बेसिक नीड्स है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, और इसके लिए एक आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी। 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है पिछले 6 वर्षों में किस तरह देखते हैं आप स्वास्थ्य सुविधाओं को, आम इंसान तक इसकी पहुंच कितनी बढ़ी है? देखिए, ये इस योजना पे अपन बात करें तो कम से कम ये तो बहुत ही लोकप्रिय योजना हो सकती है, बशर्ते इसका प्रचार प्रसार हो। वो कमी मुझे दिखाई देती है, मैडम आपने कहा है, लेकिन लोगों तक ये बात अभी पहुंच नहीं पाई। मुझे ये बड़ा संशय था कि जैसे आपने कहा कि किस स्तर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो BPL कार्ड वाले शायद इसके अंदर आपने शामिल किए, तो वो क्राइटेरिया BPL का क्या, कितनी आय सीमा है, ये थोड़ा सा लोगों को मालूम होना चाहिए, और वो कमी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं तारीफ करूंगा, बस इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, बता रहे हैं, ना सिर्फ BPL कार्ड, इनफैक्ट जो उसके ऊपर के भी कुछ क्राइटेरिया लिया गया है किसी का, जब हम वेबसाइट पर चेक करेंगे तो हमें पूरी डिटेल्स इसकी मिलती हैं और उसमें पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन हितग्राही है इसका। और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपना ID लेकर अगर कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पर हमको जानकारी मिल सकती है इसकी। मैडम, अगर बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए 10 वर्ष हो गए हैं, जो 11 का आंकड़े जो है उसके हिसाब से देखा जा रहा है, तो लग सकता है कि आगे कुछ परिवर्तन हो इसमें, जो इसके जो हितग्राही होने का जो एक क्राइटेरिया है उसमें और परिवर्तन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उस पर भी प्रयास जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसमें नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं इस योजना में। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ 2 साल अभी इस योजना को हुए हैं और एक साल चलाकर हमें जो कमियां महसूस हुई हैं कि नहीं, इसमें ये भी एड ऑन होना चाहिए, उन पर लगातार प्रयास जारी रहे हैं और उसमें सतत रूप से इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इस योजना में। लोगों का वो भी बढ़ता जा रहा है, पहले सिर्फ SECC था, फिर NFS से संबल को जोड़ा गया है, अब रोड जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें भी, उसको भी लाने का प्रयास अभी जारी है। देखिए, बहुत जल्दी कुल मिलाकर दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है लगातार, और ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि नई नई चीज सामने आ रही है तो उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 20 सितंबर 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में स्व सहायता समूहों को 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण TV चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आयुष्मान योजना का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में जो है वो देश जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रमेश जी, हम बात कर रहे थे कि पिछले 6 वर्षों में ध्यान दिया गया है आवास को लेकर, ध्यान दिया गया है शिक्षा को लेकर, ध्यान दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी कर दी गई है, स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत फोकस किया गया है। पहले एक गरीब आदमी जो होता था या जो एक साधनहीन आदमी जो होता था, कहीं ना कहीं वो असुरक्षित होता था, कोई अगर बड़ी बीमारी हो जाती थी तो पूरी जिंदगी भर की पूंजी जो होती थी वो उसके इलाज में खर्च हो जाती थी। लेकिन चाहे वो एक मजदूर हो, एक किसान हो, एक रेहड़ी वाला हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, लेकिन एक जो है 5 लाख तक की जो है ये सुरक्षा एक दी गई है कि आप कैशलेस आप कहीं भी इलाज करा सकते हो, किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कितना बड़ा एक परिवर्तन आप मानते हैं इसको? मुझे लगता है कि ये सच में आज़ादी के बाद से एक पहला कदम मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी योजना आई है, खासतौर से गरीबों के लिए। एक भ्रम लोगों के बीच में आ रहा था कि शायद ये सारे लोगों के लिए योजना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये एक कोशिश की गई है अभी तक कि गरीबों को बीपीएल कार्ड, गरीब और उसके ऊपर जो लोग हैं, हाँ, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास जो हैं वहां तक भी इसको कवर करने की कोशिश की गई है। हाँ, और जैसा बताया मैडम ने कि लगातार दायरा इसका बढ़ाया जा रहा है, हाँ, कि ज्यादा लोग जो हैं वो इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। हाँ, जी, तो वो दायरा भी और बढ़ जाना चाहिए। जैसे शहरी परिवेश में अपन देखें तो मिडिल क्लास जिसको अपन मध्यम दर्जे के लोग हैं उनको भी यदि इसमें सुविधा मिल सकती है तो शायद ये बहुत और अच्छा हो सकता है। मुझे कहीं याद आ रहा है कि अमेरिका में शायद ये योजना बराक ओबामा के समय में ओबामा केयर की गई थी। वहाँ पे बहुत ही बड़ी ये योजना थी और बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। और जी बिल्कुल, तो उसी स्तर पे इस योजना को भी मैं मानता हूँ और बहुत अच्छा है कि ये इस सरकार ने जो भी काम किया है, सारे कामों के बीच में ये काम सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए जो आर्थिक मुद्दे पे बहुत परेशान होता है, खासतौर से जब वो बीमार होता है उस समय, जैसा आपने कहा, तो एक बहुत अच्छी मदद है लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि इसको प्रचार प्रसार की थोड़ा सा जरूरत है। मैडम, मैं आपसे कहना चाहूँगा, फिर से दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक जर्नलिस्ट पत्रकार के नाते मुझे ये कमी महसूस हुई कि ये इसका ज़्यादा लोगों के बीच तक प्रचार नहीं हो रहा है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए और वो गोल्डन कार्ड कैसे उसे मिलेगा और ये सहायता की राशि कैसे उसे। मैडम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे कि व्यक्ति अगर मान लीजिए हितग्राही है, जैसा बताया कि कुछ योजनाओं के तहत जो लोग हैं वो अपने आप हितग्राही हो जाते हैं, तो उनका क्या स्वयं उनका विभाग कार्ड बना देता है या उन्हें अप्लाई करना ही होता है? इसमें दो तरह से कार्ड बनाने का तरीका भी लिया गया है। पहला तो व्यक्ति, पहले अभी तक हम कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर रहे थे, पर लोगों को उसकी जानकारी ज्यादा नहीं होती है। तो अभी हमने, जैसा मैंने बताया कि पिछले ही महीने हमने लोक सेवा केंद्र को भी जोड़ा है। लोक सेवा केंद्र की तक के एक्सेस सभी के पास है। सभी जानते हैं कि लोक सेवा केंद्र क्या है और वहां से हम क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। तो अब जैसा आप बता रहे हैं कि प्रचार प्रसार की कमी है, तो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से शायद हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। बहुत जल्दी हम एमपी ऑनलाइन को भी इससे जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो जैसे ही ये दो जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, वहां जाके लोग इसके बारे में जानकारी और हम पात्र हितग्राही हैं कि नहीं, वो जानकारी इसके माध्यम से ले सकते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान समय में कोविड का एक बहुत बड़ा एक समस्या जो है सामने है, और अब कोविड को भी इससे जोड़ा गया है अस्पतालों को कि लोग अपने कोविड का भी इलाज जो है वो आयुष्मान योजना के तहत करा सकते हैं। तो इसके तहत क्या निर्देश दिए गए हैं अस्पतालों को, किस तरीके से व्यक्ति जो है कोविड के तहत इसका लाभ ले सकता है? अब सरकार जो प्रयास कर रही है उसके अलावा एक प्रयास उसमें ये भी है कि जो आयुष्मान में हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के 423 और निजी अस्पताल 237, इस तरह से लगभग 650 अस्पताल हमारे इस योजना के साथ संबद्ध हो चुके हैं। 250 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस, सरकार ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि उनकी टोटल बेड कैपेसिटी का उन्हें 20% सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखना होगा, ताकि पेशेंट अगर आता है तो वो इसको मना ना करें कि हमारे पास में बेड नहीं है। तो एक ये निर्देश जारी किए गए हैं, इसके पैकेजेस डिसाइड किए गए हैं, उस पैकेजेस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड जो शासन ने किया वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ही उनको ट्रीटमेंट देना होगा। और चूंकि जैसा मैंने बताया 250 अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड है, जो मोस्टली हमारी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, तो वहां पर ये सुविधा कोविड के लिए। इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है अपना इलाज कराने जो इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है, तो वो अगर मना करता है या कुछ आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान है? जैसे शिकायत प्राप्त होती है, ना केवल शिकायत प्राप्त, हम लोग आउटबाउंड कॉल भी करते हैं। एक हमारी मतलब एजेंसी के माध्यम से जितने भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड जैसे ही हमारे पास आता है तो हम हमारे कार्यालय से सभी को फोन जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आपने ट्रीटमेंट कराया उसकी सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हैं अथवा नहीं हैं, क्या आपसे किसी तरह की कोई फीस या कोई चार्जेस की या दवाओं के लिए कोई आपके द्वारा आपसे पैसों की मांग तो नहीं की गई, ये सारी जानकारी भी हम लेते हैं। और जो टोल फ्री नंबर है शासन का 1800-233-2085 या नेशनल हेल्थ एजेंसी का 14555, इस पे जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं उनको
तत्काल संज्ञान में लिया जाता है और कार्रवाई की जाती है। कुल मिलाकर जो फीडबैक की भी व्यवस्था की गई है कि इसका जो हितग्राही है उसका फीडबैक भी मिले और वो अगर उसे कुछ परेशानी होती है तो वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकता है, जो जो सही मंच है वहां तक पहुंचा सकता है और उसका निराकरण करने की जो है वो कोशिश जो है वो की जाएगी। इस तरीके का जो है फीडबैक का एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है, टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। रमेश जी, अगर हम देखें कि कई सारी योजनाएं हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें उनके लिए योजनाएं हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए योजनाएं हैं, केंद्र स्तर पे हैं, राज्य स्तर पर भी हैं, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनके लिए है तमाम तरह की बीमा योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बीमा योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी जो हेल्थ की बीमा योजनाएं हैं, तो आपको लगता है कि इतनी सारी योजनाएं हैं और जो अब एक तरह से एक जो सुरक्षा कवच एक मिलना चाहिए एक आम आदमी को हेल्थ को लेकर, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, प्री यानी कि आपने बीमा करा लिया है, कोई समस्या होगी तो आपका पूरा खर्चा जो है वो बीमा के तहत होगा, पोस्ट या आपका कुछ समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, आप इलाज कराते हैं, उसका जो पूरा जो खर्च होगा वो आपको सरकार द्वारा या किसी जो संस्था द्वारा वो है वो दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि एक हेल्थ को लेकर एक सिक्योरिटी का एक माहौल बना है आम लोगों में, एक सुरक्षा का भाव आया, क्योंकि पहले एक डर हमेशा होता था गरीब आदमी के मन में, एक कह सकते संसाधन विहीन व्यक्ति के मन में, कि अगर उसने मान लीजिए कि छोटी नौकरी करता है, छोटा व्यवसाय करता है, तो डर होता था कि अगर मैं बीमार पड़ गया, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए या परिवार कोई बीमार पड़ गया तो ये जो जमा पूंजी है या जो उसका जो कमाई है वो ही भी पूरी चली जाएगी और वो जो जीवन है पूरा नीचे आ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, होता यही है कि कोई बीमार हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। खासतौर से अपन देखें कि कोई मेजर उसमें देखें किसी को कैंसर हो गया है या किसी को और बड़ी बीमारी हो गई है, और कोई कष्ट हो गया है, तो घर परिवार के गहने तक बेच करके इलाज कराना पड़ता है, गाँव में जमीन बेच करके इलाज कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये जो एक योजना दी गई है निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसका मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए लोगों को कि ऐसी योजना उन्होंने दी है और लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, वो भी जाने कि ये योजना है क्या और किस तरह से उसका वो लाभ उठाए। जी बिल्कुल, सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए हैं लेकिन लोग भी खुद जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें, योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है उसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि सरकार ने योजनाएं बना दी है लेकिन आपको भी कहते हैं ना कि थाली में भोजन है लेकिन आपको उसे उठाकर मुंह तक लाना ही होगा। ठीक है, और द्विवेदी जी मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि जब बीमारी आती है तो इंसान जैसे गरीब व्यक्ति है वो खोजता ही है, जानकारी प्राप्त करता ही है कि हमको कहां से इसका लाभ मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल पिछले दो साल में हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज लोगों को पहुंचा है और बिना एक पैसा उनका खर्च हुए, चाहे छोटे बच्चों का हो, चाहे कैंसर रिलेटेड हो, कीमोथेरेपी हो, डायलिसिस हो, ये सारी सुविधाएं लोगों को इस योजना में मिल रही है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमने कई सक्सेस स्टोरी हमने पढ़ी है, हमने देखी भी है कि किस तरीके से जो है आयुष्मान योजना के माध्यम से परिवार को बड़ी राहत मिली, चाहे वो कैंसर का पेशेंट है, चाहे वो किसी बड़ी और दूसरी बीमारी का पेशेंट रहा हो, और किस तरीके से परिवार को बचाया है इस योजना ने। रमेश जी, कहते हैं कि बचाया है क्योंकि परिवार पूरी तरह से, अगर कोई बड़ा कुछ होता है, कुछ बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कुछ इस तरीके का कुछ मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, कुछ दुर्घटना भी होती है, तो एक पूरी तरीके से परिवार बिखर जाता है, आर्थिक रूप से कहें, एक तो मानसिक रूप से हो तो होता ही है, ये बहुत बड़ा एक ट्रोमा होता है, लेकिन आर्थिक रूप से बिखर जाता है और इस तरह से करीब 4 लाख लोग इसका भी लाभ ले चुके बताया आपने मैडम, अभी तक और 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो परिवार उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया है और इस तरीके से लगातार आगे जो है संख्या बढ़ रही है और इसके तहत और भी कई सारी चीज़ें जो है वो जुड़ती जा रही हैं, कई इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं और बेहतर इसे बनाया जा रहा है कि आगे भी जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें, इसका जो है प्रसार जो है वो ज़्यादा हो सके। अगर बात करें हम कि जो योजना के माध्यम से लोग लाभ तो लेते, कई बार क्या होता है कि अभी बीच में आया कि कुछ अस्पतालों ने थोड़ा सा उसमें गलत बिलिंग का कुछ किया, प्रयास किया, उसको लेकर भी किया, तो उसके लिए क्या विभाग कर रहा है? इसके लिए भी पूरा प्रॉपरली मैकेनिज्म बनाया गया है, क्योंकि ये पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है,
जिसमें जैसे ही व्यक्ति एडमिट होता है तो सबसे पहले तो जितने हमारे संबद्ध हॉस्पिटल हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो चेक करें कि ये हितग्राही है आयुष्मान का या नहीं है। अगर हितग्राही है तो उनको तुरंत ही इसकी सूचना एक प्री ऑथ होता है वो रेस करना होता है, तो प्री ऑथराइजेशन रेस करते हैं विद इन 6 आवर्स हम उसकी अप्रूवल देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को इस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इस इलाज के लिए भर्ती किया गया है, और यहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद फिर वो आगे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर बिलिंग करते हैं। प्रक्रिया जो कैशलेस होती है, पूरी प्रक्रिया कैशलेस होती है, इसमें मरीज को एक पैसा नहीं देना होता है, डायरेक्ट सरकार की तरफ से उस हॉस्पिटल को डायरेक्ट पेमेंट इसमें होती है। और जैसा आपने बताया कि कुछ ऐसे प्रारंभ में और अभी भी कुछ ऐसे अगर इश्यूज आते हैं तो उनको बकायदा रिजॉल्व किया जाता है, इसमें पेनाल्टी का भी क्लॉज है, और आज दिनांक तक हम लगभग 43-44 लाख रुपए की पेनाल्टी विभिन्न अस्पतालों में लगा चुके हैं, और 3 हॉस्पिटल्स को तो डीम पैनल भी किया जा चुका है। रमेश जी कुछ कह रहे थे आप। हाँ, इसी में एक सवाल मेरा भी मन में आ रहा है कि ये जो बिलिंग जो होती है कि किस इलाज के लिए कितना पैसा, तो ऐसा भी कोई आपने बंधन उसमें रखा है क्या? जी, इसमें टोटली पैकेजेस डिसाइडेड हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट है, अगर किसी को डायलिसिस कराना है तो उसके कितने दिन का कितना पैसा होगा, ये सारे फिक्स चार्जेस हैं, उनके पैकेजेस बने हुए हैं। हम चाहें तो आयुष्मान भारत की जो वेबसाइट है उस पर ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं, और हर लगभग 23 सर्जिकल और मेडिकल स्पेशलिटीज हैं जिनको रजिस्टर किया गया है इस योजना में, और 1578 लगभग 1600 प्रोसीजर्स हैं, और उन प्रोसीजर्स के लिए पैकेजेस डिसाइड हैं कि अगर ये बीमारी है तो इसका इतना पैसा सरकार उस अस्पताल को ट्रीटमेंट के लिए देगी। जी, अभी लोगों के मन में एक सवाल और भी बनता है इसमें कि ये जो कोरोना का जो काल आ गया है इस समय अब लोगों को कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, तो क्या वो भी इसका लाभ उठा करके किसी दूसरे निजी अस्पताल में जा सकते हैं? कि अगर संबद्ध अस्पताल में नहीं मिला है तो किसी और अस्पताल में, अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बट यहाँ एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ना केवल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी अगर इस योजना से कोई संबद्ध है अस्पताल तो वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है आयुष्मान हितग्राही के। हो सकता है पोर्टेबिलिटी है, किसी बीमारी का इलाज जो है प्रदेश में ना हो या अच्छी वैसी व्यवस्था ना हो तो प्रदेश के बाहर भी जो है हितग्राही आ सकता है, वहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से इलाज ले सकता है। वैसे प्रदेश में सारे इलाज उपलब्ध हैं। मान लीजिए किसी को बाहर इलाज कराना हो, पर दूरी के हिसाब से, अगर हम देखें कि बॉर्डर का कोई व्यक्ति है नागपुर जाना पसंद करता है, वहीं हम देखें कि अलीराजपुर झाबुआ वाला व्यक्ति गुजरात की तरफ मूव करता है, तो डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा मैटर होता है, तो वो दूसरे प्रदेश में जाकर भी जो इस योजना से संबद्ध अस्पताल है वहां पर जाकर इलाज बिल्कुल ऐसा होता ही है, क्योंकि जो बॉर्डर के हमारे जो जिले हैं वहां के लोग जो हैं, क्योंकि वहां से हमारे जो महानगर है वो दूर पड़ते हैं, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं दूर पड़ती है, तो वो लोग जो पास के दूसरे राज्यों के जो होते हैं, अच्छे अस्पताल होते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होते हैं, वहां पर वो मूव करते हैं, और ये बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है, ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति देखता है कि जहाँ पे उसे अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा अच्छी फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर वो जाता है, उसका लाभ लेने की कोशिश करता है। तो इतनी बड़ी सुविधा इस योजना के तहत दी गई है, पोर्टेबिलिटी की पूरी सुविधा, और एक पैसा व्यक्ति को खर्च नहीं करना है। जी जी, तो ये बट ऑब्वियस बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ मेरे ख्याल से सभी को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बैरियर बोल सकते हैं, कोई बॉर्डर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय योजना है और कहीं भी इंटर स्टेट भी ट्रीटमेंट जो है इसमें, तो ऐसा कोई है कि अगर मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट उसी राज्य में हो है फिर भी अगर व्यक्ति जाता है तो भी इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, व्यक्ति कहीं जाके करा सकता है। जी, रमेश जी कुछ अभी, हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी किस स्तर के लोगों को और अपन शामिल करना चाह रहे हैं इसमें गरीबी रेखा के बाद? इसमें शासन अभी लगातार प्रयास कर रही है कि हम कुछ जैसे SECC जो है, मतलब जो 2011 की जनगणना थी उसमें जो क्राइटेरिया है कि शहरी क्षेत्र के ये लोग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उसमें कवर किया जाएगा, तो हम लोअर मिडिल क्लास को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, परंतु चूंकि जनगणना हुए बहुत समय हो चुका है और हो सकता है कि अभी नए ऐड इसमें लोग हुए हों, तो लगातार सरकार अभी उसमें प्रयास कर रही है कि हम इस क्राइटेरिया को और ब्रॉड करें और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाए। रमेश जी संक्षिप्त में चाहिए आपकी टिप्पणी कि आप अगर पूरा देखते हैं पिछले 6 वर्षों का ओवरऑल आप देखते हैं, अगर एक विकास क्रम देखते हैं आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो आप क्या एनालिसिस करते हैं, आपका लंबा अनुभव पत्रकारिता का किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छी योजना ये आई है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, और इस तरह की योजना आम आदमी के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। बस फिर से मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए
कि किस स्तर के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और किस स्तर के लोगों को आय का कोई बंधन है या नहीं है, तो ये भी स्पष्ट उसमें होना चाहिए। आय का बंधन का वही जो क्राइटेरिया मैं बार बार बता रही हूँ कि SECC के क्राइटेरिया में आय शब्द कहीं नहीं आया है, बट उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड है, जैसे BPL के लिए है कि आपकी लैंड नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं होनी, उस तरह के कुछ क्राइटेरिया जिसमें डिसाइडेड हैं, और ऑलरेडी HHID हाउस होल्ड ID आवंटित की गई है उस समय पर, और अगर वो नंबर है यह व्यक्ति के पास में, तो उस वो व्यक्ति उस योजना का लाभ ले सकता है। और मैं बार बार जो आपकी आपका विषय है उसका समाधान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास रहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे मुझे बताया गया घरेलू कामकाज की महिलाएं हैं, श्रमिक हैं, सफाई कर्मी हैं, चौकीदार हैं, वाहन चालक हैं, टेलर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, दुकानों पे काम करने वाले हैं, मैकेनिक हैं, तो अब ये हर आदमी ये सोचेगा कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उसमें भी कई बहुत अच्छे स्तर पे जीने वाले लोग जी बिल्कुल दुकान में काम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल, है जी बिल्कुल, समय की बहुत कमी है ये क्राइटेरिया जो रखा गया, जैसे कोई आश्रयहीन है, बेसहारा है, आदिवासी समूह के लोग हैं और बंधुआ मजदूर हैं, तो ये क्राइटेरिया में कोई बहुत संपन्न व्यक्ति तो आएगा नहीं। तो पहले फोकस किया गया है कि जिनको सबसे ज्यादा नीड है पहले उनको इसमें अंदर लाया जाए कवर में, उसके बाद फिर इसका और एक्सपेंशन किया जाएगा और लोगों को इसमें लाया जाएगा। और आयुष्मान भारत जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना है आम व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, आम व्यक्ति का जीवन जो है वो सुरक्षित करने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए पूरी टीम को, नमस्कार। नमस्कार।